तो उधर बीजेपी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी कड़ी में अजमेर में बीजेपी के लोकसभा क्षेत्र की बैठक आयोजित की गई, लेकिन इसमें गुटबाजी देखने को मिली। बैठक में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी मौजूद थे और पहला सत्र संगठन की गुटबाजी का शिकार हुआ, भेंट चढ़ गया। दरअसल अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी को मंच पर जगह नहीं मिली, जबकि लोकसभा सह प्रभारी और पुष्कर विधायक सुरेश रावत को मंच पर जगह दी गई। ऐसे में ये संगठन पदाधिकारी चर्चा करते दिखाई दिए। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की आज हमारी सभी कार्यकर्ताओं की, सभी पदाधिकारियों की, जो अजमेर लोकसभा के जो प्रमुख प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि है, आज उनके साथ बैठक करने आए हैं लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर। वही कोटा में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत का दर्द नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के सामने छलक पड़ा। दरअसल कटारिया आज कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक लेने आए थे और बैठक की शुरुआत में ही राजावत ने मंच पर चढ़कर कटारिया से 2 मिनट बोलने का समय मांगा और अपनी पीड़ा बयां की। विधानसभा चुनाव में पैराशूट प्रत्याशियों को मौका देने पर नाराजगी जताते हुए राजावत ने कहा कि 11 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें कांग्रेसी संस्कृति के नेताओं के कदमों में जाना पड़ा। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के निराश होने का हवाला दिया और इसके बाद पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाला और तुरंत कटारिया ने माइक संभाल कर मामले को शांत करवाया। दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि पार्टी को कांग्रेस संस्कृति के लोगों के कदमों में गिरवी रखना पड़ा। चाहे नागपुरा हो, चाहे पीपलदा हो, ये क्या कारण थे